महान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय। मैं अपने पति रथ शक्ति के श्राप से श्राप को किस तरह सहन कर दूंगी। यदि देवी मंदोदरी का कोप शांत नहीं हुआ तो संभव है कि वो अपना वचन सत्य कर डालेगी। उस वनवासी और वानर के विरुद्ध पुत्री मंदोदरी के मन में मैंने जो विष घोला वो युक्ति सफल रही। भीषण बवंडर अकस्मात कहां से उत्पन्न हो गया? जैसे कोई महाशक्ति अपना क्रोध व्यक्त कर रही हो। मंदोदरी यहां कहां है मेरे पति के वधिक राम, जिन्होंने छल से मेरे पति की हत्या की है, जिसका प्रतिशोध लूंगी मैं अपने श्राप से मिटा दूंगी सभी को, भस्म कर दूंगी उस राम को मैं। मेरी पुत्री रावण के वध का प्रतिशोध अवश्य लेगी। उसके कोप से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, ना ही राम, ना ही हनुमान और ना ही वानर सेना। हनुमान, महारानी मंदोदरी के कोप को शांत करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा देवी मंदोदरी का दुखी होना उचित है। यदि वो ये समझती हैं कि मैंने कोई अधर्म किया है या मुझसे कहीं कोई अमर्यादित व्यवहार हुआ है तो वो जो भी श्राप देंगी मैं अपनी मर्यादा का पालन करते हुए स्वीकार कर लूंगा। नहीं प्रभु, यदि प्रभु ऐसा करेंगे तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पतिव्रत के तेज से तो ब्रह्मांड कंपित हो उठता है, त्रिदेव विवश हो जाते हैं। श्री राम कैसे उस तेज के समक्ष ठहर पाएंगे? प्रभु तो कठोरतम शाप भी स्वीकार कर लेंगे, किंतु धर्म की रक्षा करने के लिए प्रभु को दंड अनुचित है। प्रभु का कोई अनिष्ट हो उसके पूर्व ही मुझे महारानी मंदोदरी के कोप को शांत करने के लिए कुछ करना होगा। हाँ,
कुछ करना होगा मुझे। प्रभु श्री राम के बाण से कभी भी कोई अधर्मी नहीं बच सकता और न ही किसी निर्दोष पर प्रभु का बाण प्रहार करता है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम। मामा जामवंत का कथन असत्य नहीं हो सकता। मात्र अधर्मियों का नाश किया है प्रभु के बाणों ने। प्रभु के बाण कभी किसी निर्दोष का अहित नहीं करते। प्रभु प्रभु, युद्ध तो रावण के विरुद्ध मैंने भी लड़ा है। यदि उनकी दृष्टि में आप अपराधी हैं तो मैं भी अपराधी हूं। प्रभु, आपको दिया हुआ शाप तो मेरे लिए भी होगा। मैं भी स्वीकार कर लूंगा उस शाप को, किंतु यदि इस युद्ध में धर्म की विजय हुई है और धर्म को ही दंडित किया जाए तो क्या धर्म को अपना पक्ष स्पष्ट करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए प्रभु? कथन तो तुम्हारा उचित है हनुमान। तो मुझे उनके समक्ष अपना पक्ष रखने की अनुमति दीजिए, और यदि फिर भी वो हमारे कृत्य को अधर्म मानती हैं, तो मैं स्वयं उनसे कह दूंगा कि आप अपने शाप से भस्म कर दीजिए हम दोनों को। तुम ऐसा कर सकते हो हनुमान। किंतु प्रभु, इसके लिए मुझे आपके एक बाण की आवश्यकता है। युद्ध समाप्ति के पश्चात हनुमान को बाण की क्या आवश्यकता है? उचित है हनुमान, मैं तुम्हें बाण प्रदान करता हूं। ने ये क्या किया? ये बाण तो महारानी मंदोदरी को आहत कर देगा। आश्चर्य है, हनुमान महारानी मंदोदरी पर ही वार कर बैठे। इस प्रकार तो महारानी मंदोदरी का कोप और भी अधिक बढ़ जाएगा। आशा है हनुमान स्वयं के लिए और अधिक संकट उत्पन्न नहीं करेंगे।
लक्ष्य तो मैं थी, फिर कैसे ये बाण अकस्मात ही दूसरी ओर मुड़ गया? रावण वध से कुपित खड़ी थी, शाप की हठ पतिव्रताड़ी थी, सिद्ध की कपी मंदोदरी आगे, मर्यादा श्री राम नाला। देवी, प्रभु श्री राम के बाण के भांति है प्रभु श्री राम का धर्म पालन, अडिग है उनकी मर्यादा, और आप उन धर्म पालक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को शाप देने जा रही थी? देवी, आप स्वयं देखिए, जिन प्रभु का बाण भी किसी निर्दोष पर वार करने से पूर्व ही दिशा बदल लेता है, यहाँ तक कि धरती पर उगी हुई घास को भी हानि नहीं पहुंचाता, तो ऐसे धर्म पालक प्रभु श्री राम कैसे कोई अधर्म कर सकते हैं? ढोंग है ये धर्म पालन का। मेघनाथ की पूजा को रोकने के लिए तुम्हें और विभीषण को भेजकर किस धर्म का पालन कर रहे थे तुम्हारे प्रभु? लंकेश का मृत्यु बाण चुराने के लिए तुम्हें भेजा क्या अधर्म नहीं था? लंकेश की नाभि पर वार करना धर्म संगत था क्या? देवी, मेघनाद ने सदैव माया युद्ध करके नियमों को तोड़ा है, पूजा के द्वारा वो और मायावी शक्तियां अर्जित करना चाहता था, इसीलिए उसे रोकना आवश्यक था देवी, और मृत्यु बाण को तो लंकेश ने अधर्म पूर्वक यमराज से छीना था, उसे नियत स्थान से विस्थापित करके सृष्टि का नियम भंग किया था, अतः उस बाण को उसके उचित स्थान पर पहुंचाना आवश्यक था। पूर्वक धर्म और मर्यादा की सीमाएं लांघने वाले तुम्हारे प्रभु और तुम, दोनों को आज मेरे श्राप का भागी होना ही पड़ेगा। देवी, आपने सत्य कहा, कदाचित प्रभु ही अधर्मी है, अमर्यादित है। प्रभु स्वयंवर में विजयी होने के पश्चात भी उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने पिता से आज्ञा नहीं ली थी। पिता के दिए वचन को पूर्ण करने के लिए राजपाट का त्याग, ये अधर्म था देवी। रजत पात्रों और राजसी भोग के स्थान पर मिट्टी के पात्रों एवं कंदमूल फल को अपनाया, माता के कहने पर सुख वैभव को छोड़कर वनवास स्वीकार करने वाला अधार्मिक ही होगा। अनुज भरत को अपनी पादुकाएं सौंपकर वर्षों वन के कंटकों पर नंगे पांव चले, चाहते तो लंकेश को परास्त करने वाले दानवी वृत्ति के बाली से सहायता प्राप्त कर सकते थे, किंतु उन्होंने महाराज सुग्रीव से सहायता ली, मित्र धर्म निभाते हुए उनकी पत्नी एवं राजपाट उन्हें वापस दिलवाया। देवी, मेरे प्रभु है ना अधर्मी, अपने शत्रु के भ्राता विभीषण पर बिना कोई संदेह किए उन्हें शरण प्रदान की, यही नहीं लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व ही उन्होंने विभीषण जी का राज्य अभिषेक करके उन्हें लंका सौंपने का वचन दे दिया। जिससे कि कोई ये आक्षेप ना लगा सके कि उन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए लंका पर चढ़ाई की। देवी, बार बार
अधर्म किए हैं प्रभु ने, है ना देवी? जिनकी पत्नी हरण करके लंका में लाई गई। लंकेश के आदेश पर 11 माह तक उन्हें भूखा प्यासा रखा गया, राक्षसियों द्वारा प्रताड़ित किया गया देवी। सब कुछ जानते हुए भी प्रभु ने लंकेश को बार बार संभलने के अवसर दिए। पहले मुझे भेजा, फिर अंगद को, यहाँ तक कि अंतिम युद्ध से पूर्व भी प्रभु ने लंकेश को संदेश भिजवाया कि माता सीता को ससम्मान लौटा दें, जिससे कि युद्ध की विभीषिका से लंका अनाथ ना हो जाए। क्या ये भी अधर्म था देवी? अपनी पत्नी को रक्षराज के चंगुल से मुक्त कराने के लिए प्रभु लंका आए। देवी बताइए, क्या अधर्म किया प्रभु ने? यदि प्रभु शापित हुए तो हम सब भी शापित होंगे। हाँ, हम सब भी प्रस्तुत हैं। हमें भी श्राप दीजिए। हाँ, हम सब भी प्रस्तुत हैं। हाँ, हमें भी श्राप दीजिए। हाँ, हम सब भी प्रस्तुत हैं। हमें भी श्राप दीजिए। एक पर स्त्री की परछाई के भी स्पर्श से दूर हट जाने वाले, कभी किसी पराई स्त्री की ओर दृष्टि तक ना उठाने वाले, बताइए देवी, प्रभु श्री राम अधर्मी हैं? अमर्यादित हैं, है ना देवी? क्या ऐसे श्रेष्ठतम धर्म का पालन करने वाले प्रभु श्री राम को आप अधर्मी समझती हैं, जो उन्हें आप शाप देना चाहती हैं? देवी, क्रोध वो घना अंधकार है जो नेत्रों के समक्ष सूर्य की भांति चमकते हुए सत्य को भी छिपा देता है।
देवी, यदि आपको शाप देना है तो दोषी को शाप दीजिए। निर्दोष को शाप देना अधर्म है। देवी, प्रभु श्री राम को तो कुछ ज्ञात ही नहीं था। मैं स्वयं गया था मृत्यु बाण लेने। उनके तुणीर में मैंने ही बाण रखा था। देवी, उन्होंने उस बाण को लंकेश के बक्ष पर चलाया था, किंतु उस बाण की दिशा परिवर्तित हुई मेरे वेग से। देवी, दोषी मैं हूं, मुझे दीजिए आप शाप। देवी, दोषी मैं हूं, आप मुझे दीजिए शाप। हनुमान ने सत्य ही कहा था, क्रोध के अंधकार में डूबे मेरे नेत्र सत्य के सूर्य को देख नहीं पा रहे थे। पति विछोह से क्षुब्ध मेरा विवेक धर्म और अधर्म का भेद ही भुला बैठा था, इसीलिए शाप देने चली आई। मुझे क्षमा कर दे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, का फल तो सबको भोगना ही होता है। धन्यवाद हनुमान, तुमने समय रहते मुझे अधर्म करने से बचा लिया। मंदोदरी ने इन्हें क्षमा कर दिया हो, लेकिन मैं इन्हें क्षमा नहीं करूंगा। रावण के वध का दंड ने भोगना ही होगा, अवश्य भोगना होगा। ये क्या से क्या हो गया स्वामी? कभी इंद्रदेव जिनसे भयभीत रहते थे, जिन्होंने यमराज को विवश कर दिया, कैलाश को उठा लिया, जिनके नाम मात्र से बड़े बड़े योद्धा प्राणहीन हो जाते थे, आज वो ब्रह्मदेव के वंशज प्राणहीन है। कैसी भाग्य की क्रीड़ा है ये? सदैव स्वर्ण शैया पर शयन करने वाले, रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित होने वाले लंकेश आज धरा पर धूल दूसरे पड़े हुए हैं।
अभागा, अपने भ्राता को क्यों नहीं समझा पाया, क्यों उन्हें अधर्म के पथ से नहीं हटा पाया। महाबली, महातपस्वी, महाज्ञानी भ्राता को क्यों नहीं बचा पाया मैं। धिक्कार है मुझ पर भ्राता, मुझे क्षमा कर दी। आप दोनों ही नहीं, सारा संसार लंकेश रावण के शौर्य एवं विद्वत्ता से परिचित था। उनका शौर्य तो युगों तक जीवित रहता है। रावण जैसे पराक्रमी के लिए इस प्रकार शोक व्यक्त करके आप इनकी महानता को क्षीण कर रहे हैं। रावण जैसे शूर वीरों की मृत्यु पर विलाप करना पवित्र धर्म शास्त्रों के अनुसार भी वर्जित है। विभीषण जी, देवी मंदोदरी, आप दोनों के लिए यह दुख हृदय विदारक है, किंतु अब इस शोक से उबरकर इन महायोद्धा की अंतक्रिया के लिए क्या उचित व्यवस्था करना है उस पर विचार कीजिए। जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से भ्राता रावण शत्रु पर घात करते थे, उतनी ही पवित्रता के साथ वो धार्मिक अनुष्ठानों एवं विधि विधान का अनुसरण भी करते थे। अतः प्रभु, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपने भ्राता के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार पूर्ण विधि विधान के साथ कर सकूं। शत्रुता मात्र तब तक रहती है जब तक शत्रु जीवित रहता है। एक महायोद्धा, महान रक्ष सम्राट की अंत्येष्टि पूर्ण सम्मान एवं विधि विधान के साथ आपके द्वारा ही संपन्न की जाएगी। विभीषण जी, कल जो भी प्रथम मुहूर्त हो उसमें इनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था करें। देवी मंदोदरी, आपके दुख से हम भी द्रवित हैं, किंतु अब आपके स्वामी की इस लंका को पुनः गौरवशाली बनाने का दायित्व आपको ही निभाना है। धर्म का पालन करने वाली लंका बनाना है इसे आपको। मैंने विभीषण जी को राजा बनाने का वचन दिया है। इस युद्ध से पूर्व ही मैं आपका राज्य अभिषेक कर आपको लंका का राजा घोषित करूंगा, परंतु आपका पद एवं वर्चस्व पूर्व के समान ही होगा। आप राज कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप कर सकती हैं। ये राज मुझसे प्रथम महारानी मंदोदरी का ही रहेगा। राजकाज पर इनका पूर्ण नियंत्रण बना रहेगा, किंतु अभी सर्वप्रथम भ्राता रावण की अंत्येष्टि की व्यवस्था करनी है। मुझे विश्वास है प्रभु, कल रावण की अंत्येष्टि के तत्काल पश्चात आप सर्वप्रथम माता सीता को बुलावे का संदेश भेजेंगे। माता त्रिजटा, लंका एवं देवी मंदोदरी के लिए जितनी कठिन आज की यह रात्रि है उतनी ही कठिन मेरे लिए भी है। कदाचित वनवास के 14 वर्षों में सबसे अधिक कठिन रात्रि एक ऐसी निशा जिसका एक एक पल प्रातः काल की प्रतीक्षा में एक एक वर्ष के समान लंबा हो गया है।
प्रतीक्षा की अंतिम घड़ियां ऐसी लंबी होती है देवी सीता, ऐसे में धैर्य भी साथ छोड़ने लगता है, और आप ही नहीं प्रभु श्री राम की भी यही दशा हो रही होगी। सीता मेरी प्राण वल्लभ है, मैं जानता हूं ये तुम्हारी ही पवित्र आभा है। प्रभु, वहां माता भी इसी प्रकार आपकी प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही होंगी। पूरी वानर सेना उस क्षण की प्रतीक्षा में है प्रभु। जिस क्षण आप दोनों का मिलन होगा, मुझे विश्वास है प्रभु, कल रावण के अंत्येष्टि के तत्काल पश्चात आप सर्वप्रथम माता सीता को बुलावे का संदेश भेजेंगे। आशा है वो मिलन की शुभ बेला शीघ्र आएगी। हनुमान, दुर्भाग्यवश अभी वो समय नहीं आया है। अपने जमाता के वध का प्रतिशोध लिए बिना शांत नहीं होगा ये दानव शिल्पी। मैं जागृत करूंगा मैं मेरे जमाता रावण के भ्राता शतानन को। महाशक्तिशाली 100 शीर्षधारी रावण को। राम और हनुमान सहित पूरी वानर सेना को समाप्त करने का जो कार्य इंद्रजीत मेघनाथ नहीं कर पाया, महाशक्तिशाली रावण नहीं कर पाया, मंदोदरी नहीं कर पाई, वो कार्य करेगा रावण से भी महान योद्धा अजय, महाशक्तिशाली शतानन रावण। अब क्या हो गया? अब माता के मिलन में कौन सी बाधा है? प्रभु, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि माता सीता से मिलन का अभी समय नहीं आया है? प्रभु, यदि अभी भी कोई बाधा है तो आप मुझे बताइए, मैं किसी भी मूल्य पर उस बाधा को दूर करने के लिए तत्पर हूं। हनुमान, मेरा एवं सीता का मिलन, जिसकी प्रतीक्षा हम दोनों को ही नहीं सभी को है, वो मिलन अभी नहीं हो सकता क्योंकि ये सत्य है कि सीता के राम अपनी प्राण मल्लवा से मिलने को आतुर है। किंतु ये भी स्मरण रखो कि तुम भावी अयोध्या नरेश राजा बनोगे तुम, और एक राजा को अपनी निजी भावनाओं को नहीं अपनी मर्यादाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है हनुमान, पहले मुझे कुछ कर्तव्य पूर्ण करने हैं, जैसे वो वचन जो मैंने विभीषण जी को दिया था उसे निभाना है। कहीं प्रभु किसी दुविधा में तो नहीं है? प्रभु, यदि ऐसा है तो मैं स्वयं जाकर विभीषण जी के राज्य अभिषेक की व्यवस्था आरंभ कर देता हूँ, जिससे कि कल रावण का दाह संस्कार होते ही अविलंब पूर्ण विधि विधान से विभीषण जी का राज्य अभिषेक संपन्न हो सके और हम माता सीता का स्वागत कर सकें। प्रणाम प्रभु। Thank you.
बस अधूरे रैन अधूरी ऐसे विरह में है कठिन सबूरी जग को दुविधा से तारने वाले टूटे हृदय को सवारने वाले आज विवश हुए सहने को दूरी ऐसे विरह में है कठिन सबूरी असमंजस में उधर रघुराई बाध्य इधर देखो जान की माई नैना जो बरसे तो तरस को तरसे तरस को तरसे जो नैना वो बरसे तड़पत देखो मयूर मयूरी ऐसे विरह में है कठिन विभीषण जी अग्नि दीजिए। स्वामी स्वामिन दोनों विवश है एक दूजे बिन देखो मन जब व्याकुल हृदय भी आकुल हृदय है आकुल तो मन भी व्याकुल विकट प्रतीक्षा की तरस मजूरी ऐसे विरह में है कठिन सबूरी चंदनस्य मत पुण्यम पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा
जानी राम सिया मनो अवस्था शीघ्रति शीघ्र कपी की व्यवस्था विभीषण राज अभिषेक कराई लंका के से हसन पे बिठाई। ये गाथा बाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। महाराज विभीषण की महाराज विभीषण की महाराज विभीषण की। ये घड़ी अब इतनी लंबी क्यों होती जा रही है और कितनी प्रतीक्षा कराएंगे मेरे स्वामी। आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं लंका में धर्म की ज्योति जगा सकूं, एक अच्छे राजा की भांति लंका की प्रजा की सेवा कर सकूं। महाराज विभीषण जी, आप भी स्वयं धर्म का पालन करने वाले राजा हैं, इसलिए मुझे विश्वास है आपके सुशासन में लंका की प्रजा अवश्य ही धर्म के पथ की ओर अग्रसर होगी। आपकी हितकारी नीतियों के बल पर लंका पुनः सुख एवं समृद्धि को प्राप्त होगी। मेरा आशीष सदैव आपके साथ है। आपकी अनुकंपा के लिए आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। अब तो समस्त कार्य संपन्न हो गए, अब विलंब क्यों कर रहे हैं प्रभु माता सीता को बुलाने में। कदाचित कोई आ रहा है, अवश्य ही कोई मेरे स्वामी का संदेश लाया होगा। ये तो अनला है, महाराज विभीषण की पुत्री। देवी सीता, पिताश्री महाराज का राज्य अभिषेक हो गया है, वो प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लेने गए हैं। और स्वामी श्री राम ने भी तो कोई संदेश भिजवाया होगा ना। प्रभु श्री राम ने तो कोई संदेश नहीं भिजवाया। प्रभु, विरह के क्षण बहुत पीड़ादायक होते हैं। मैंने देखी है माता सीता की दशा। प्रभु, और प्रतीक्षा मत कराइए उन्हें। अब तो माता सीता से आपका मिलन हो ही जाना चाहिए। हनुमान, तुम ही सीता को ढूंढने लंका आए थे, अब तुम ही मेरा संदेश देवी सीता तक पहुंचाओ। हाँ प्रभु, हाँ अवश्य प्रभु। ना जाने प्रभु श्री राम का संदेश कब आएगा। आएगा नहीं, आ गया। मेरे प्रभु श्री राम का संदेश ये तीव्र वायु के झोंके संकेत है, पवन पुत्र के आने का, मेरे पुत्र प्रिय हनुमान के आने का।
प्रणाम माता। पुत्र ले आए मेरे स्वामी का संदेश। क्या कहा उन्होंने? अवश्य ही वो स्वयं आ रहे होंगे मुझे लेने। अरे हाँ, वो स्वयं कैसे आ सकते हैं? उन्हें यहाँ आने के लिए तो लंका में प्रवेश करना पड़ेगा। मैं तो प्रसन्नता के अतिरेक में भूल ही गई थी कि 14 वर्ष का वनवास पूर्ण किए बिना वो यहाँ लंका में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। स्वामी ने कोई संदेश तो भेजा होगा ना मेरे लिए? हाँ माता, प्रभु ने आपके लिए संदेश भेजा है कि के? कि बताओ पुत्र बताओ, मेरी व्यग्रता मत बढ़ाओ। स्वामी ने जो भी कहा है शीघ्र मुझे बताओ। प्रभु ने कहा है कि उन्होंने रावण का वध कर दिया। अब विभीषण जी लंका के राजा हैं, अतः अब आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं माता। माता, अब आपको ये निर्णय लेना है कि आप अब क्या करना चाहती हैं। मेरा निर्णय? मैं तो यहाँ रहकर भी उनसे कभी दूर नहीं थी, मात्र देह पृथक थी, परंतु हृदय में तो प्रभु श्री राम ही बसे हुए थे। हृदय से तो कभी पृथक नहीं हुए हम दोनों, ये सत्य तो मेरे स्वामी भी जानते हैं। फिर भी उन्होंने ऐसा संदेश क्यों भेजा? क्यों मेरे निर्णय के बारे में पूछा? क्या था तुम्हें पुत्र? माता, यही तो मैं भी प्रभु से पूछना चाहता था, किंतु संकोचवश मैं उनसे पूछ न सका। माता, अब आप ही बताइए, उन्होंने ऐसा संदेश क्यों भेजा? वो इसलिए पुत्र, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम मात्र मेरे पति परमेश्वर ही नहीं है, वो तो अयोध्या के भावी राजा भी है। राजा को प्रत्येक कार्य अपने मर्यादा में रहकर ही करना होता है। पुत्र, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, उनकी मर्यादा में भी उतनी ही सहभागी हूं, इसलिए मैं स्वयं अपनी इच्छा से उनके पास लौट जाऊं। इसी में राजा श्री राम की मर्यादा एवं प्रतिष्ठा है। सत्य वचन माता। माता, तो मैं जाकर प्रभु को क्या उत्तर दूं? उनसे कहना पुत्र कि उनकी सीता की प्रसन्नता इसी में है कि वो शीघ्रातिशीघ्र उनके पास लौट आए, अपने स्वामी से मिलने के लिए मैं अत्यंत व्याकुल हूँ। उचित है माता, मैं शीघ्र ही जाकर आपके लिए नवीन वस्त्र, आभूषण एवं पालकी आदि की व्यवस्था करता हूँ। माता। नहीं पुत्र, नवीन कुछ नहीं, मैं उसी रूप में मेरे स्वामी के समक्ष जाना चाहती हूँ जिस रूप में उन्होंने मुझे पंचवटी की कुटिया में छोड़ा था। उसी आभूषण पहनना चाहती हूँ जो मैंने गिराए थे और तुम्हें मिले थे। माता, वो आभूषण तो प्रभु ने अपने प्राणों से भी अधिक संभाल कर रखे हुए हैं। देखा हनुमान, ऐसा है उनका प्रेम कि मेरे आभूषण को भी
हृदय से लगाए रहते हैं। मेरे लिए समुद्र लांग कर लंका आए और पति धर्म ऐसा कि मुझ पर कुदृष्टि डालने वाले राक्षस राज रावण का वध किया। और राज मर्यादा भी देखो, मेरा निर्णय जानने के लिए तुम्हें संदेश देकर भेजा। हाँ माता। अद्वितीय है तुम्हारे प्रभु मेरे श्री राम। हाँ माता, मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो उन्होंने आपको संदेश देने के लिए मुझे चुना। हाँ पुत्र। माता, मैं शीघ्र ही आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगा। प्रभु, माता ने कहा है कि वो इन्हीं आभूषणों को धारण करके पूर्व वाली वेशभूषा में ही आपके समक्ष उपस्थित होना चाहती हैं। उन्होंने कुछ और भी तो कहा होगा हनुमान। हाँ प्रभु, माता ने कहा है कि उनकी अर्धांगिनी सीता, जिसने एक एक क्षण उनके प्रतीक्षा करते हुए व्यतीत की, वो आज अपने स्वामी के दर्शनों के लिए आतुर है। उनसे मिलने के लिए व्याकुल है। यही है मेरा निर्णय। हनुमान, ये आभूषण लेकर जाओ। और दे दो सीता को। शीघ्रता करो वानर वीरों, माता किसी भी क्षण आती होंगी।
प्रभु, इस अपार हर्ष के समय जब माता से आपकी भेंट होने वाली है, आपके श्री मुख पर दुविधा के चिन्ह लक्षित हो रहे हैं प्रभु। माता अवश्य देवी के सदृश दिखाई देती होंगी। जब प्रभु स्वयं विश्व स्वरूप हैं, तो माता तो साक्षात देवी लक्ष्मी ही होंगी ना। सत्य है, तीनों लोकों में माता जैसी दिव्य कोई अन्य हो ही नहीं सकती। माता देवी के सदृश नहीं, स्वयं साक्षात देवी हैं। पवित्रता एवं वात्सल्य की साक्षात प्रतिमूर्ति है माता। जनक नंदिनी माता सीता की, जनक नंदिनी माता सीता की, जनक नंदिनी माता सीता की। सबकी दृष्टि इस ओर है, किंतु स्वामी स्वामी तो इस ओर देख ही नहीं रहे हैं। ऐसी कौन सी दुविधा में है मेरे श्रीराम, जो दृष्टि उठाकर इस ओर देख भी नहीं रहे हैं। ये मर्यादा के बंधन भी कितना विवश कर देते हैं। मेरी सीते भी सोच रही होगी कि उनके समक्ष उनकी प्राण वल्लभा इतने दिनों के पश्चात आई भी, किंतु वो उसे देख तक नहीं रहे हैं। अब भी दुविधा में है प्रभु, ये मिलन मिलन जैसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है। वो क्या है जो प्रभु और माता के मिलन में अब भी बाधा बना हुआ है,
प्रणाम प्रभु। आपका सेवक विभीषण, लंका नरेश, आपकी भार्या माता सीता को पूर्ण सम्मान सहित आपको समर्पित करने हेतु लेकर आया हूं। तो देखिए अपनी सीता को मेरे श्री राम। प्रभु, माता आपके समक्ष हैं। आपकी एक दृष्टि के लिए व्याकुल हैं माता, किंतु प्रभु आपकी दृष्टि उनकी ओर उठ क्यों नहीं रही? जब ये देखकर आपके इस तुच्छ सेवक का हृदय फटा जा रहा है प्रभु, फिर माता के हृदय पर तो न जाने क्या बीत रही होगी। प्रभु आप मुझे बताइए कौन सी दुविधा है? बताइए ना प्रभु। सीता समकक्ष रघुराई, किंतु प्रभु नहीं दृष्टि उठाई। जा देखी कपि भय अति आकुल, का दुविधा मह पड़े प्रभु व्याकुल। अवश्य ही स्वामी के अंतश में कोई बहुत बड़ा अंतर्द्वन चल रहा है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? जिन भाभी माँ के सम्मान की रक्षा के लिए हमने इतना सब कुछ किया, आज जब वो आपके समक्ष हैं, तो आपके नेत्र उनकी ओर क्यों नहीं उठ रहे? प्रभु आपकी इस उपेक्षा का क्या कारण है? कोई शंका है तो बताइए प्रभु,
हम सब आपकी हर एक शंका का समाधान करने को तत्पर हैं। हाँ प्रभु, आप कुछ तो बताइए। हनुमान पुत्र, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या के भावी नरेश हैं, अतः उनकी राज मर्यादा ही उनकी दुविधा बनी हुई है। मेरे स्वामी ने अपने पुरुषार्थ से राक्षस राज रावण का वध करके मुझे यहां से मुक्त करा के स्वयं को आदर्श पति सिद्ध किया। मेरे हरण के कारण संसार में इनका जो अपमान हुआ था, मेरी रक्षा ना कर पाने का जो कलंक मेरे स्वामी पर लग सकता था, राक्षस राज रावण का वध करके स्वामी ने उसे मिटा दिया। किंतु अब एक राजा की मर्यादा ही उन्हें मेरी ओर देखने से, मुझे अपनाने से रोक रही है। मैं इतने समय राक्षस राज रावण के बंधन में रही हूं, किंतु मेरे स्वामी श्री राम भी ये जानते हैं। इतने समय उनसे दूर रहकर भी मैं पूर्ण पवित्र हूं। मां गंगा की भांति निर्मल हूं मैं, किंतु अयोध्या नरेश श्री राम ये कभी नहीं चाहेंगे कि भविष्य में कभी भी कोई उनकी पत्नी के चरित्र पर संदेह करे। यही दुविधा है मेरे श्री राम के मन में, है ना प्रभु? ये सत्य है सीते, सत्य है ये। आप मर्यादा एवं कर्तव्य में बंधे हुए राम की दुविधा समझ रही हैं, परंतु दुर्भाग्य ये है कि संसार साक्ष्यों को ही सत्य मानता है, तभी मर्यादा स्थापित होती है। किंतु स्वामी, मैं अपने पति व्रत धर्म की शपथ लेकर कहती हूं कि मैं पूर्णतया पवित्र हूं। प्रभु, माता ने पवित्रता की शपथ ली है। प्रभु, आप भी इस सत्य से अवगत हैं कि माता पूर्णतया पवित्र हैं। प्रभु, अब तो आप ये दुविधा त्यागिए। प्रभु, जिनके विच्छो में आप हर क्षण विरहकुल रहे, जिनको ढूंढने के लिए कोसों दूर आप नग्न पैर वन वन भटके, जिनके लिए आपने हम सहस्त्र वानरों को एकत्रित किया, समुद्र पर सेतु बांधा, माता का हरण करने वाले रावण का एकाकी ही वध करके उसे घोर पाप का दंड दिया। प्रभु, आज वही आपकी प्रिया आपके समक्ष है।
फिर क्यों इनकी ऐसी उपेक्षा प्रभु? प्रभु आपकी वो कोमल भावनाएं कठोर कैसे हो गई प्रभु? एक राजा की मर्यादा भावनाओं पर नहीं, निष्पक्षता एवं साक्ष्यों की स्पष्टता पर टिकी हुई होती है हनुमान। सीता पत्नी है मेरी, आतुर हूं मैं अपनी पत्नी को अपनाने के लिए, इनके हर कष्ट मिटाकर हर सुख से इनका आंचल भरने के लिए। किंतु एक भावी राजा बंधा हुआ है अपने सिद्धांतों से, अपनी मर्यादा से बंधा हुआ है। एक राजा की मर्यादा आज मेरी पवित्रता का प्रमाण चाहती है। उचित है, मैं जनक नंदिनी सीता आज प्रमाण दूंगी अपनी पवित्रता का। कैसे देंगी माता प्रमाण? कौन सिद्ध करेगा माता की पवित्रता? शास्त्रों में कहा गया है कि अग्नि से अधिक पवित्र कुछ नहीं होता। अग्नि हर मलिनता को भस्म कर देती है। मैं भी अग्नि में प्रवेश करके अपनी पवित्रता का प्रमाण दूंगी। यदि मेरे चरित्र पर कोई दोष हो तो मैं भस्म हो जाऊंगी। और यदि मेरा चरित्र निर्मल हो तो मैं जीवित है अग्नि से बाहर निकल आऊंगी। भैया, भाभी माँ को ऐसा करने से मना कर दीजिए। प्रभु, अग्नि से कौन जीवित निकल पाया है? प्रभु, प्रभु अनर्थ हो जाएगा, रोक लीजिए माता को। मैं तो स्वयं नहीं चाहता कि मेरी सीता को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, किंतु मैं एक भावी राजा की मर्यादाओं से भी बंधा हुआ हूं। स्वामी, आपका ये मौन मेरे निर्णय के लिए आपकी सहमति दर्शाता है। लक्ष्मण भाई, मेरी इस अग्नि परीक्षा के लिए चिता सजीव कर। भैया, रोके भाभी माँ को। लक्ष्मण, अपनी भाभी माँ की आज्ञा का पालन करो। लक्ष्मण भैया, और विलंब मत कीजिए। और भाभी माँ के प्रत्येक आदेश का अक्षरशः पालन करने वाले इस अनुज के लिए उनकी इस आज्ञा को मानना किसी कष्ट परीक्षा से कम नहीं। मुझे क्षमा कर दो प्रिय, आज मर्यादा मुझसे मेरे प्रेम की परीक्षा ले रही है। जानती हूँ मैं स्वामी, मेरी अग्नि परीक्षा मुझसे कहीं अधिक आपकी परीक्षा ले रही है। मैंने तो अभी अग्नि में प्रवेश भी नहीं किया,
परंतु आपके अंदर की अग्नि आपको पहले से ही तपा रही है। रावण के साथ बाहरी युद्ध की समाप्ति के बाद सबके हृदय के भीतर उमड़ती हुई भावनाओं का ये कैसा युद्ध प्रारंभ हो गया है प्रभु, जिसमें विजय प्राप्त करने के लिए सभी को अत्यंत कठिन परीक्षा देनी होगी। कितने निष्ठुर हो गए हैं भैया और भाभी माँ, और उनके समक्ष कितना विवश हो गया हूँ मैं। ये कैसी लीला है, मर्यादा पुरुषोत्तम को ऐसी अपार पीड़ा भुगतने के लिए बाध्य क्यों होना पड़ रहा है। सीताग्नि परीक्षा लाए अनल अनुज लक्ष्मण दहकाए, विवश खड़े देखे हनुमाना मर्यादा रघु नाथ की जाना। देव तभी जड़बत हो देखी कैसी घड़ी जे विधि ने लेखी, इत चले पावक वैदेही माई उत मन अगन जले रघुराई। दिवस अधूरे रैन अधूरी ऐसे विरह में है कठिन सबूरी, जग को दुविधा से तारने वाले टूटे हृदय को सवार आज विवश हुए सहने को दूरी, ऐसे विरह में है कठिन सबूरी। असमंजस में उधर रघुराई बाध्य इधर देखो जान की माई, असमंजस में उधर रघुराई बाध्य इधर देखो जान की माई, नैना जो बरसे तो तरस को तरसे, तरस को तरसे जो नैना वो बरसे,
तड़पत देखो मयूर मयूरी ऐसे विरह में है कठिन सबू प्रकाश प्रकाश तन तन मन मन धन से धन से मैंने अपने स्वामी को अपने हृदय में रखा। पल भर के लिए भर के लिए भर के लिए भर के लिए अपने मन अपने मन अपने मन उनसे भटकने से भटकने से भटकने से भटकने उसी प्रकाश उसी प्रकाश उसी प्रकाश हे स्थिर अग्नि स्थिर अग्नि स्थिर अग्नि मैं सीता अपना पतिव्रत धर्म पालन करते पालन करते अपनी देह आज मैं आप में समाहित करती हूँ। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।